सुखबीर सिंह बादल जी उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और जिस भारी जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जी। स्टेज ते विराजमान बहुजन समाज पार्टी दे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, दुआबे दे कोने कोने दुआए बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे बहादुर वर्कर साहबान, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय भीम भारत। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ एक इतिहासिक गठजोड़ है। 1996 पहली बार आ गठजोड़ बनिया, उदों पंजाब विच एक तूफान आ गया ते कांग्रेस नूं उड़ा के लै गया। 11 सीटां इस गठजोड़ ने जितियां। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल ते स्वर्गीय बाबू कांशी राम जी का संबंध बहुत पुराना है। दोनों ने संघर्ष किया, दोनों ने गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाई। बाबू कांशी राम जी का जन्म अपने हुशियारपुर जिले में पंजाब में होया। उन्होंने अपनी वो जिंदगी विच बहुजन समाज पार्टी नूं खड़ा किया पंजाब विच। ते मैं देखे पिंड पिंड जाके घर घर जाके बहुजन समाज नूं कट्ठा किया, इत्थों कट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी खड़ी करके उन्होंने पूरे देश विच डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का सुपना पूरा करने वास्ते बहुजन समाज नूं कट्ठा करना शुरू किया। ते बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की पहली सरकार उत्तर प्रदेश विच बनाई। बहन मायावती जी की सरकार आई ते मैं कह सकता बहुत पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश विच रहिंदे आं, उत्थे खेती भी करते हैं, जदों वो पंजाब चाहुंदे है बहुत मैनू मिलते भी है। सारे लोग बहन जी दी मायावती जी की सरकार नू याद करते हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बने, अज भी याद करते हैं कि जो बहन जी आए जड़ी उत्थे गुंडागर्दी सी, जड़े वड़े वड़े माफिया सी, जड़े वड़े वड़े गैंगस्टर सी, बहुबली सी, सारयां नूं अंदर करके जेल विच उत्तर प्रदेश में शांति लियांदी। उत्तर प्रदेश में सही महीने ते जे सरकार बनी ते चली, बहन जी दे समय सरकार चली ते बली। बहन जी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जदों सी, कोई भी औरत रात नूं 12 बजे भी तुर सकती सी, किते मर्जी जा सकती सी। उन्हां दे समय उत्तर प्रदेश में बहुत तरक्की हुई, गरीब की गल सुनी गई, दलित परिवारों की गल सुनी गई, आम जनता की गल सुनी गई, ते इंसाफ मिल लग गया जेड़ा किते उत्तर प्रदेश में मिल नहीं रहा सी।
बाबू कांशी राम जी, स्वर्गीय बाबू कांशी राम जी ते बहन मायावती जी दे सोच नाल ही ओ जी सोच साहब प्रकाश सिंह जी बादल दी रही है। साहब प्रकाश सिंह जी बादल भी पांच वार मुख्यमंत्री पंजाब दे बने। क्यों बने? क्योंकि सारिया नू विश्वास था प्रकाश सिंह बादल दे सी। साहब प्रकाश सिंह बादल दी सोच रही कि पंजाब तरक्की ता करू जे पंजाब विच अमन शांति रहू, पंजाब विच भाईचारिक सांझ रहू, पंजाब विच भरा कट्ठे रहन। साहब प्रकाश सिंह जी बादल जो मुख्यमंत्री से जिन्ने बार भी रहे किसी भी धर्म का पवित्र दिहाड़ा आंदा साहब प्रकाश सिंह जी बादल आप जाके दिहाड़े मनाते। साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने जो सरकार बनी सारे धर्मां दे पवित्र स्थान साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने आप करोड़ों रुपये खजाने तो ला के उन्होंने डिवेलप किया। भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र स्थान राम तीर्थ तुसी जाके देखो, मुख्यमंत्री बादल साहब ने तकरीबन 200-250 करोड़ रुपये ला के उस नूं बहुत सुंदर डिवेलप किया। गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान करालगढ़ असी बड़ी जंगी पद्धर से काम शुरू किया, प्लैनिंग शुरू की, चां काम चल पिया, डिवेलपमेंट शुरू हुई। पर दुख लगता कह के कि जो कांग्रेस की सरकार आई गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान से काम रोक दिता गया। अज 5 साल बहन जी हो गए पंजाब विच कांग्रेस की राज आई नू उस पवित्र स्थान पर एक इट नहीं लगी। मैं वादा करता परमात्मा मेहर करे थोड़ा आशीर्वाद रहे गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान करालगढ़ नू फिर तो जिवें बादल साहब ने सोचा सी ओ जा खूबसूरत बना के देवांगे। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दी सोच गरीब दलित समाज नू उत्ते चकना ते उन्हां दीआं मुश्किलां हल करना। तुसी सारे जानते हो जो भी सहूलतां अज या पिछले 30 सालां च गरीब या दलित समाज नू मिलियां सारियां ही सरदार प्रकाश सिंह बादल ने देनियां शुरू कीतियां। आ नीले कार्ड स्कीम, आटा दाल स्कीम जो 4 रुपये किलो आटा तो 20 रुपये किलो दाल दी स्कीम साहब प्रकाश सिंह बादल ने देनी शुरू की थी। एससी परिवारों नू दलित परिवारों के बच्चों नू कॉलेजों मुफ्त पढ़ाना, दलित एससी स्कॉलरशिप स्कीम लियांदी। असी अपने राज विच 4.5-5 लाख बच्चों को कॉलेजों मुफ्त पढ़ाते सी। पर दुख ना कहना पैंदा बहन जी जो कांग्रेस का राज आया ऐसी कांग्रेस की सरकार ने जेड़ा चन्नी मुख्यमंत्री है वह मंत्री सी 5 साल हो गए। तुसी सारे जानते हो ऐसी स्कॉलरशिप बंद की ते बच्चों को कॉलेजों चो बाहर कढ़िया। किड्डा वड्डा पाप किया कांग्रेस ने, ऐसा पाप जिहड़ा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज वो बच्चे जिहड़े कॉलेजां च कढ़े गए अज कोई इंजीनियर बनना सी, अज कोई डॉक्टर बनना सी, अज वो अपने पैरों ते खड़े हो सकते सी, पर इन्हां ने वो मौका नहीं दिता। आ तां सोच कांग्रेस की है ऐसी परिवारों नू बच्चों नू असी 200 यूनिट बिजली दे माफ करते सी, उन्हें लड़कियों साइकिल देंदे सी, असी जिन्हां भी सहूलतां सारिया उत्थे दित्तियां जांदियां सी। पर कांग्रेस ने आके पिछले 5 साल तुसी देखिया नीले कार्ड कट्टे गए है, स्कॉलरशिप बंद हो गई है, पेंशनां आ नहीं रही, शगन स्कीम 2-2 साल की कोई दे नहीं रहा। फिर आपां कहने सरकार पंजाब च है,
सरकार है ही नहीं पंजाब, कल्ले लुटन दे लगे है, पैसा इकट्ठा कर लगे है, इन्हां नूं पंजाब दी जनता दा दुख सुख बारे कुछ पता नहीं। असी हुण असी गठबंधन की सरकार जिहड़ी साडी श्रोमणी अकाली दल BSP दी गठजोड़ है, असी फैसला किया कई स्कीम जिहड़ी असी सोचियां 13 नुकाती प्रोग्राम विच की करांगे। जदों सरकार गठबंधन की आई, एक तो वड्डी सोच है कि जिहड़े नीले कार्ड कट्टे गए है, पहले ही महीने असी कैंप ला के सारयां दे फिर तो नीले कार्ड बनाए जाणगे। जड़े गरीब परिवारां दे कार्ड बन जाणगे नीले कार्ड, उन्हां दी मुख औरत जिहड़ी घर चलाउंदी है। गठबंधन की सरकार पार्टियां ने फैसला किया कि उस औरत ने खाते हर महीने 2000 रुपया महीना दिया करांगे, क्योंकि असी देखे औरत ही है जिहड़ी परिवार नूं चलाउंदी है। जदों बच्चा बीमार हो जाता, दवाई लेनी होए, कई बार औरत को पैसा नहीं होता, कई बार घर वाले भी नहीं देंदे, पर असी फैसला किया हर महीने उस औरत को 2000 रुपया महीना दिया जाएगा। दूजी गल असी कर लगे हैं, पिछली बार बिजली आम की सी, एक्ती बिजली सस्ती करांगे, पहले 400 यूनिट सारे वास्ते मुफ्त होंगे हर महीने दे बिल, क्योंकि 2 महीने वाल आता है 800 यूनिट बिजली के बिल, 2 महीने का बिल आता है 800 यूनिट बिल फ्री होंगे, वो बाद बिल लगेगा। मैनू लगता है गरीब परिवारों के बिल भी नहीं आने, क्योंकि इन्ने तो घट ही बिजली के बिल वरते जाते। तीजी गल असी मैं पूरा जोर ला रहा पंजाब विच सरकारी पढ़ाई नू ठीक करना, जिहड़े अपने पिंडां स्कूल है, शहरां स्कूल है, सरकारी स्कूल है, कोई 2 कमरे दे है, कोई 3 कमरे दे है, कोई 6 कमरियां दे है, 2 टीचर है, कि पंजाबी टीचर साइंस पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, पर खाना पूर्ति चली रहती है। असी गठजोड़ ने फैसला किया अगले 5 साल तकरीबन 12,000 करोड़ रुपया ला के हर 25,000 आबादी के अंदर 5,000 बच्चे का सरकारी स्कूल खोलिया जाऊगा वड्डा, जिथे 50 बच्चा मगर एक टीचर, मतलब 100 टीचर वो स्कूल छोड़ेंगे, उन्होंने मकान भी उत्थे होंगे, असली पढ़ाई देवांगे। तुसी देखोगे जिहड़ा पुराना ढांचा खत्म करांगे। बहुत बच्चे जिहड़ा 10वीं दे बाद कॉलेज नहीं जा सकते, खास करके सरकारी स्कूल के बच्चे 10वीं के बाद बेचारे घरे आ जाते हैं, आई कारण उन्होंने नौकरियां नहीं मिलदिया। असी कानून लेके आवांगे, जो सरकार बनी जिन्हें भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे है, जिन्हें कॉलेज पंजाब च है, सारे प्राइवेट ते सरकारी कॉलेजों में 33% सीटा सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों वास्ते रखिया जाएगी रिजर्व, तो उन्होंने खर्चा भी पंजाब सरकार देगी। मैं अगले 5 साल जी गरीब नू डॉक्टर बना के दिखा देना है। मैं लवली यूनिवर्सिटी के मालक ने पूछा, मैं क्या थोड़े किन्ने बच्चे पढ़ते हैं? मैनू कहते 40,000 बच्चा साढ़े कॉलेज पढ़ता है। मैं क्या किन्ने बच्चे सरकारी स्कूल तो पढ़ के थोड़े यूनिवर्सिटी च आए हैं? मैनू कहते 50 होने हैं। देखो 40,000 चो कल्ले 50 बच्चे सरकारी स्कूल तो पढ़ के उत्थे गए हैं, क्योंकि बेचारे को पैसा नहीं भरया जा रहा, कोई नंबर नहीं, आई कारण अगले जो कानून बन गया आई लवली यूनिवर्सिटी 12,000 बच्चे सरकारी स्कूल के पढ़ाने पैने उन्होंने हर साल। बहुत बच्चे अपने बाहर भी पढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने पढ़ना चाहते हैं या बाहरले मुल्क पढ़ना चाहते हैं। 10 लाख रुपये का स्टूडेंट कार्ड असी बनावांगे, जिथे भी केड़ी भी यूनिवर्सिटी थोड़ा एडमिशन मिल जाए कल्ला का तुसी सानू चिट्ठी लिया दियो, 10 लाख रुपये तक
बच्चों की पढ़ाई वास्ते पैसा सीधा कॉलेज तो यूनिवर्सिटी चले जाऊगा, घट तो घट पढ़ाई वास्ते पैसे की कमी नहीं रहन देवांगे। एक असी पिछली बार बादल साहब वड्या ने भाई कन्हैया स्कीम लिया जिथे 2 लाख रुपये तक का इलाज थोड़ा सारिया का किसी भी हस्पताल मुफ्त सी, बड़ी कामयाब स्कीम सी, लोगों मुश्किल हल हो गई, पर कांग्रेस सरकार ने चन्नी सरकार ते कैप्टन सरकार ने बंद कर दी। असी यौन साल भाई कन्हैया स्कीम नू फिर तो लागू करांगे ते 2 लाख की जगह 10 लाख रुपये दिया वो स्कीम कार्ड होगा मेडिकल इंश्योरेंस का। तुसी केड़े भी प्राइवेट ते सरकारी हस्पताल जाके कला कार्ड दिखाउणा है, उहदे बाद अपने आप ही तुसी घरे आ जाना, कोई पैसा देने की लोड़ नहीं, सरकार ते इंश्योरेंस कंपनी एक दूजे नाल गल करूगी। बहुत अपने पिंडां विच शहरां विच बहुत परिवार है जिन्हां कोले कोई अपनी कोई जगह नहीं, एक्टी फैसला कीता जिहड़े पिंडां विच पंचायती जमीन है उत्थे 5-5 मरले पहले ही 6 महीने के अंदर जिन्हां परिवारां कोले कोई जगह नहीं उत्थे दित्ते जाणगे 6-5 मरले जगह उन्हां नूं इकदम। जिहड़े शहरां दे नाल कोई सरकारी जगह पई है उन्हां नूं उहदे च कट के असीं प्लॉट देवांगे। मेरा मकसद है कि मेरे पंजाब विच कोई ऐसा इंसान ना होए जिहदे कोले अपनी जगह ना होए, वो असीं पूरी करके देवांगे। एक असीं प्लैन बनाया, असीं हर असैंबली हल्के 5000 मकान पंजाब सरकार गरीब वास्ते बना के देगी जिन्हां कोले कोई मकान नहीं, 5000 मकान एक असैंबली हल्के च, मतलब अगले 5 सालों के अंदर तकरीबन 5 लाख तो वध मकान असीं बना के देवांगे। क्योंकि वड्डे काम असीं कर दित्ते आ, तुसीं देखिआ बिजली दे थर्मल प्लांट लग गए, अपने सड़कां बन गईआं, हुण लोड़ है गरीब की मुश्किल गरीब की बाह फड़नी, घट तो घट हर गरीब कोले अपना मकान जरूर होना चाहिए, उहदे कोले हस्पताल की सहूलत जरूर होनी चाहिए है। मेरा जोड़ 2 गल्लां ते पूरा लगना है, एक सरकारी स्कूल की पढ़ाई ठीक करने वास्ते, एक सरकारी हस्पताल बनाने वास्ते। करोना के दौरान तुसी देखिया ही है सरकारी हस्पताल फेल हो गए, ज्यादा सब तो ज्यादा मौतें पंजाब दियां हुई पूरे देश में, ज़्यादातर गरीब की मौत हुई क्योंकि बेचारे प्राइवेट हस्पताल जा नहीं सकते सी, सरकारी फेल हो गए। तो इस करके सारा जोर सरकारी हस्पताल ठीक करने, हर जिले विच असी एक मेडिकल कॉलेज बनावांगे, हर जिले विच 500 बिस्तरे का मेडिकल कॉलेज बनाया जाऊगा। मैं एको एक गल कहना चाहना है, इतिहास गवाह है जो कुछ भी बनया पंजाब च उदों ही बनया जदों सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री, जिन्ने थर्मल प्लांट पंजाब दे है सारे ही सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए, भाखड़ा डैम तो बगैर सारे ही डैम बादल साहब ने बनाए, जिन्ने एयरपोर्ट पंजाब दे है अमृतसर तो लैके मोहाली तो लैके जलंधर तो लैके बठिंडे सारे ही एयरपोर्ट सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए, जिंडिया भी 4 ते 6 लेन सड़क सारिया ही सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाईया, आ जिन्हें भी 16 लाख ट्यूबवैल कनैक्शन पंजाब के है 13.5 लाख सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार दिते गए ट्यूबवैलों के बिल सरदार बादल ने माफ किए, हर गरीब ते किसान की मजदूर की जड़ी सहूलत है कल्ली सरदार प्रकाश सिंह बादल के राज के दौरान हुई। तो फिर कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कल्ला लारे लाए, पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झूठिया सौवां खा के लोगों नूं गुमराह करके सरकार बना ली, 5 साल नहीं निकलिया करो, 5 साल बर्बाद हो गए। इस करके मैं बेनती करना है आम आदमी पार्टी अजकल मैं देखे उत्थे कंधां ते लिखिया पिया
कि केजरीवाल नूं मौका दिओ। केजरीवाल का की लगाव पंजाब नाल है? आ करोना की बीमारी जो हुई कि एक दिन केजरीवाल पंजाब जाके थोड़ा दुख सुख पता करने वास्ते आया? कितने पंजाब नूं कोई दवाई भेजी? कितने थोड़े कोई आटा दाल या शगन या राशन भेजा? जे दिल्ली विच श्रोमणी अकाली दल के वर्कर ने उत्थे दिल्ली जाके लंगर सेवा भी की, राशन भी वंडिया, ऑक्सीजन सेवा भी की, उत्थे असी हस्पताल भी खोले। दिल्ली का हालात यह जी बन गई सी कि दिल्ली के लोग पंजाब जाके इलाज कर लगे। यह जी हालात केजरीवाल ने बनाई कि केजरीवाल नूं मौका देना है? केजरीवाल ने हुणी 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दिती है कि पंजाब का पानी सानू दिओ। कि तुसीं पंजाब का पानी दे दोगे फिर खेती खत्म हो जूगी? सुप्रीम कोर्ट च केजरीवाल ने साल पहले दरखास्त दिती है कि पंजाब के थर्मल प्लांट बंद करो क्योंकि उत्थे धुआं आउंदा है, जे बंद कर दोगे थोड़ी बिजली खत्म हो जूगी। तो केजरीवाल की सोच है? इत्थे आके झूठ ते झूठ, इत्थे आके बयान दिंदा कि मैं हर औरत नूं 1000 रुपया दूं। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अज मुख्यमंत्री है, पिछले 10 साल हो गए मुख्यमंत्री रहे नूं, 1 रुपया किसी औरत नूं नहीं दिता। इत्थे आके कहिंदा मैं 1000 रुपया दूं? पहले अपने सूबे दिल्ली तां दे दे। इत्थे आके कहिंदे कि मैं 300 यूनिट बिजली दे माफ करूं, पहले दिल्ली तक करके आ जाओ। इत्थे आके कहिंदे मैं सरकारी मुलाजमान पक्का करूं, कच्चे मुलाजमान दिल्ली में 10 साल के धक्के खा रहे हैं मुलाजम कच्चे, 1 नहीं पक्का किया। इस करके बेनती करना है श्रोमणी अकाली दल, BSP थोड़ी अपनी पार्टी है, गठजोड़ है, दोनों यह जहा तगड़ा गठजोड़ है कि थोड़ा तुसी कल्ले वर्कर कायम हो जाओ, तुसी कल्ले वर्कर अकाली दल BSP दे कायम हो जाओ। मैं गरंटी ना कहना 100 सीटा तो वध होनियां थोड़ियां जे इकट्ठे हो जाओ। मैं पिछे जे 2-3 गल्लां मैं लानियां सी, एक दुआबे विच डॉक्टर BR अंबेडकर जी के नाँ पर असी एक यूनिवर्सिटी खोलांगे सरकार बनते, एक असी बाबू कांशी राम जी के नाँ पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी असी बनावांगे। मैं बहन जी मुबारक देना चाहना, सानू पहली बार मौका मिले, मैनू खास करके BSP दे वर्करा ना मिलदा, BSP दी लीडरशिप ना मिलदा, BSP दे वर्करा ना मिलदा। मैं कह सकदा देखो 40 साल हो गए, हले तक इन्होंने कोई राज भोग गया नहीं, पर जिन्ना जज्बा BSP दे वर्करा च है सिर झुकाउंदा थोड़े तरफ, जिन्नी मेहनत तुसी BSP दे वर्कर कर रहे हैं, मैं पंजाब दी लीडरशिप नूं वधाई देना चाहना BSP दे नूं। बहुत मेहनती लीडरशिप है, बहुत मेहनती वर्कर है। जे साइकिल साधना साइकिल ते चल पैंदे है, पैदल साइकिल भी है नहीं ते पैदल भी पिंड पिंड जाके उन्होंने प्रचार किया। जय जय पंजाब च माहौल है, सरकार थोड़ी बन जानी है, पंजाबियों की सरकार बननी है, गरीब किसान मजदूर की सरकार बननी है, बहुजन समाज की सरकार बननी है। मैं बहन जी पहले 2 ऐलान किए थे, एक डिप्टी CM बहुजन समाज पार्टी तो असी लेवांगे, क्योंकि बहुत काबल थोड़े लीडरशिप इत्थे, ते असी तुसी जिवें साडा गठजोड़ है
साड़ी पार्टी कैसी पार्टी है जेड़ी एक बार रिश्ता जोड़ ले फिर पक्का ही हो जाता है। साडा बीजेपी ना रिश्ता सी पर उन्होंने धोखा दिता, असी नहीं छड़े उन्होंने, उन्होंने धोखा दिता, उन्होंने साडे असूलों के खिलाफ फैसले किए, पंजाबियों के खिलाफ फैसले किए, तो असी उन्होंने अलविदा कर दिता। हुण बाकी उम्र आप बीएसपी ते अकाली दल की टीम कट्ठी हो के सरकार बनाएगी ते गरीबां दी, दलित परिवारां दी, बैकवर्ड क्लास दी, सारयां दी सेवा करूगी। किसे चीज़ दी कमी नहीं है सरकार च, कोई पैसियां दी कमी नहीं, लीडरां दी नीयत दी कमी करके पंजाब पिछे चले जांदा है। इस करके मैं अखीर विच सारयां नूं आई कहना चाहुंदा है, 12 दिन रह गए, मैनू 3 महीने हो गए घरों निकले, 3 महीने दे मैं सारे हलकियां जाके आ गया, बहुत वधिया माहौल है। अज बड़ी खुशी है कि साडा जिहड़ा तूफान चलिया सी, अज बहन जी दे आउण नाल तूफान सुनामी च बदल गया। ते हुण जिवें तुसीं जोश देख रहे हो, आ वर्करां दा जोश है, आ जिहड़ी ताड़ियां निकल रही हैं, दिलों निकल रही हैं, आ जज्बात है पंजाब दे, श्रोमणी अकाली दल दे, बीएसपी दे, वर्करां दे जज्बात है। सानू बहुत वड्डा बल अज मिलिया बहन जी दे आउण नाल, ते आओ कट्ठे हो के जंग दी तैयारी रखिए, लड़िए ते जित के आउणा है, जित के ही घरे आउणा, नहीं तां आउणा नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। आप संघर्ष करो बहन जी, आप संघर्ष करो। अकाली बल गठबंधन जिंदाबाद। सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी ਧੱਕਾ ਮੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬੱਟ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ।